फ्रेंड्स, ये जो मोबाइल आप देख पा रहे हो ये रेडमी नोट 10S है और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी दो पार्ट बना दिया है। आप देखे होंगे कि ये इसमें पहले डेट था और उसके बाद इसका मैंने रिपेयर करने के बाद ग्राफिक नहीं आ रहा था। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये पहला पार्ट मैंने डाल दिया था, 13 डेज हो गया है। ये पहला पार्ट मैंने डाल दिया था, उसके बाद ये सेकेंड पार्ट है। पहले मैंने इसका फुल डेट रिपेयर किया था, उसके बाद इसका मैंने ग्राफिक वर्किंग नहीं कर रहा था, इसलिए मेरे पास डिस्प्ले नहीं था। तो मैं सोचा कि डिस्प्ले के बिना कैसे चेक करते हैं, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है और आपको दिखाया है कि सब सिग्नल ओके है फिर भी ग्राफिक नहीं आ रहा है। तो उसके ये वीडियो डालने के बाद मेरे को भी डाउट था कि मैं जो कहा है वो सही है या नहीं, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से कहा था कि ये इसमें जो कंडीशन है उसके हिसाब से डिस्प्ले ख़राब है। तो फिर मैंने मार्केट से डिस्प्ले ऑर्डर किया है। ऑर्डर करने के बाद मेरे पास आज ये डिस्प्ले आ चुका है। तो हम इसमें एक बार ला के टेस्ट करेंगे कि हम उस दिन चेक किया था कि इसका मदरबोर्ड ओके है, सिर्फ डिस्प्ले ख़राब है। तो ये कितना सच है कितना क्या है वो हम चेक करेंगे डिस्प्ले ला के। लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये मोबाइल में मैंने जब टेस्ट किया था तो इसका ग्राफिक सेक्शन एकदम प्रॉपर था और अभी भी वही है। मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया क्योंकि उस टाइम मैं बताया था कि मेरे को जो लग रहा है वो ग्राफिक सेक्शन के डाउट है, सॉरी LCD के ऊपर डाउट है, ग्राफिक सेक्शन के ऊपर कोई डाउट नहीं है क्योंकि इसका वोल्टेज सब प्रॉपर आ रहा है, तो इसलिए मैंने बताया था। तो मैंने इसलिए नया एक LCD लिया है मार्केट से आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं एक सोचता हूँ कि जो दिखाऊँ वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों दिखाऊँ। लेकिन उस दिन मैं आपको सॉल्यूशन दिखा था कि इस तरह से आपको होगा, लेकिन प्रैक्टिकल आपको दिखा नहीं कि इस तरह से करने से ये हो जाएगा। तो इसलिए मैंने डिस्प्ले मार्केट से लाया है। वैसे तो कस्टमर ऑर्डर नहीं किया है, फिर भी मैंने मार्केट से लिया है सिर्फ मैं खुद को कंफर्म करने के लिए कि मैं जो कहा है वो सही या नहीं। तो उसके बाद मैंने LCD को लिया है, तो एक बार आपके सामने टेस्ट करता हूँ। ये देखिए, ये नोट 10S मोबाइल की LCD है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें LCD होता है AMOLED, लेकिन ये TFT यानी कि IPS डिस्प्ले है, AMOLED नहीं है। जो भी हो, हम टेस्ट करने के लिए लिया है, अगर कस्टमर ना बोलेगा तो हम वापस कर देंगे, सिर्फ हम टेस्ट करने के लिए ये LCD लाया है। तो एक बार हम इसमें चेक करेंगे कि ये प्रॉपर वर्किंग है या नहीं। अरे देखिए, चालू हो गया है। अरे ये क्या कर रहा है, देखिए इसमें ग्राफिक आ चुका है। इसमें मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि उस दिन मैंने कहा है कि LCD के बिना भी हम मोबाइल को टेस्ट कर सकते, कैसे टेस्ट कर सकते वो मैंने उसी वीडियो में बताया था। अगर आप देखा नहीं तो वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो मिल जाएगा किस तरह से डिस्प्ले के बिना चेक होगा। और मैंने जो चेक किया था वही हमारा डाउट क्लियर हो गया आज कि हमारा डिस्प्ले आ गया। मैं उस दिन कहा था डिस्प्ले प्रॉब्लम, वही हुआ, ये डिस्प्ले आ गया। ये देखिए डिस्प्ले आ गया। एक बार हम पावर की प्रेस करते हैं, देख पा रहे हैं डिस्प्ले आ गया और टच भी वर्किंग है। तो इसका मतलब हमारा डाउट सही था कि इसमें डिस्प्ले ही प्रॉब्लम है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये डिस्प्ले लाया है, बाकी और कोई मकसद नहीं है। कस्टमर नहीं लेगा तो हम रिटर्न करेंगे। उस दिन सिर्फ हम बताया था आपको, लेकिन प्रैक्टिकल दिखाया नहीं था डिस्प्ले के बिना मोबाइल चेक होता है या नहीं, वो हम दिखाया नहीं था। तो मैंने इसके बाद ये जो LCD मैंने एक बार टेस्ट कर लिया था, तो इसमें जब ग्राफिक आया तो मैं सोचा ये जो LCD है इसमें क्या प्रॉब्लम है एक बार देखते। तो मैंने
इसका एलसीडी मैंने निकाला था, फिर से एक बार निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये एलसीडी तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एलसीडी है, ये एमोलेड एलसीडी, ये हमारा टच सेक्शन की आईसी है, यानी कि ये आईसी टच कंट्रोल करता है। और इसमें ये जो आप कंपोनेंट देख पा रहे हैं, कभी कभार क्या होता है, ये कंपोनेंट ख़राब हो जाता है, यानी कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, तो वो शॉर्ट निकालने से हमारा एलसीडी सॉल्व हो जाता है, हमारा जो ग्राफिक का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है कभी कभार, लेकिन कभी कभार नहीं होता है। जैसे कि मैंने इस बार टेस्ट किया था तो इस बार हमारा सक्सेस नहीं मिला। ये जो एक डायोड देख पा रहे हैं, मैंने इसको हटाया है क्योंकि इसमें हमें कुछ शॉर्टिंग मिला है। देखिए इसमें अभी शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन इसमें शॉर्टिंग है। देखिए ये हमारा ELVSS लाइन है, या तो ELVDD लाइन होगा, यानी कि ये जो लाइन है ये नेगेटिव पॉजिटिव इसमें से होगा। देखिए ये मुझे लगता है ELVSS होगा, यानी हमारा जो VSN होता है IPS डिस्प्ले में, लेकिन ये AMOLED डिस्प्ले है, तो ये ELVDD और ELVSS होगा। तो मैंने उस टाइम चेक किया है कि इसमें ELVDD लाइन शॉर्ट था, तो ELVDD लाइन हमारा ये होगा ELVDD लाइन, और ये हमारा ELVSS लाइन। तो देखिए इसमें मैंने फॉरवर्ड बायस में मैं चेक कर रहा हूँ, तो इसमें लगभग 400 के आसपास रीडिंग है, लेकिन इसमें रीडिंग देखिए 115 है। अब हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। देखिए एलसीडी को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए हम दोबारा एक बार चेक करते हैं। 115 के आसपास आया था, एक बार इस बार देखिए 83 आ रहा है। जब हम यहाँ पे दबाते हैं, इस साइड जब हम कहीं दबाते हैं तो कम ज़्यादा होता है शॉर्टिंग। ये देखिए अभी 86 है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें कोशिश किया था, तो इसमें जो इंटरनल चिप होता है, कंट्रोलर होता है इंटरनल, वही हमें शॉर्टिंग मिला था। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ELVDD लाइन है, ये हमारा पॉजिटिव लाइन है यहाँ पे, ये जो ग्लास के अंदर, तो मैं जब वहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पे जलने लगा, और यहाँ पे भी ये जो ग्लू होता है, उन्होंने जो बाइंडिंग किया है, ये ग्लू भी मेल्ट हो रहा था, तो मैं इसके पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ये जो ग्लास है इसके अंदर ही फॉल्ट है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। नहीं तो अगर ये LCD रिपेयर होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और कस्टमर का पैसा भी बच जाता, लेकिन इस बार हमें सक्सेस नहीं मिला। जो भी हो, हमने जो टेस्ट किया था वो हमारा टेस्ट प्रॉपर था, सक्सेस मिल गया हमें। तो फ्रेंड्स, मैं इतना आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ ये वीडियो बनाया था, तो ये वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।